दिया। या तो क्रोध आपको भस्मीभूत करता है, जब भोगी है तो क्रोध अग्नि उसको भस्मीभूत कर देती है, और योगी है तो ध्यान अग्नि से क्रोध को भस्मीभूत करता है। और जो योगी है, साधक है, ऋषि है, आत्मा का पिवासक है, मुमुक्षु है, वह इन सब अग्नियों को अपनी एक अग्नि से भस्मीभूत कर देता है। तो योगेंद्र देव आचार्य कह रहे स्पष्ट कि जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी अग्नि को जला दिया है, जी जाया झाणगिये कम कलंक टहेवी। तो जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी जंगल को जला दिया है, ऐसे सिद्ध भगवान को वो नमस्कार कर रहे हैं। चिंतनीय है, विचारणीय है कि यह अग्नि माता जी कहाँ मिलेगी। आजकल तो आपको अग्नि सिलेंडर में मिलती, ईंधन पदार्थ है, सिलेंडर आप खरीद के लाते हैं, केरोसिन खरीद के लाते हैं। कामाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अश्लील साहित्य, तामसी भोजन, वह भी आपको उपलब्ध है। जठराग्नि को उत्पन्न करने के लिए, जिसकी जठराग्नि मंद हो जाती है, वैद्य जी के पास पहुंच जाते हैं, पाचन क्रिया कमजोर हो गई वैद्य जी, कोई दवाई दी जाए, वह भी उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए डॉक्टर और वैद्य दोनों प्रयास करते हैं। परंतु आज पानी ऊपर से नीचे बह जाए, ये स्वभाव है। ऊपर से नीचे बह के आ जाए पानी, ये स्वभाव है। परंतु अब आप नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाना है, यह जो आत्म ऊर्जा इन विभिन्न अग्नियों के रूप में वाह की ओर, वहिरण की ओर प्रवाहित हो रही है, इसी ऊर्जा को जब ध्यान के द्वारा हम अंतर्मुखी बना लेते हैं, अंतर चेतना में परिवर्तित कर देते हैं, तो आचार्य कहते इसके लिए तुम्हें अवलंबन लेना पड़ेगा ध्यान का। माता जी ध्यान तो हम रोज करते हैं टीवी पर देख के। वह जो ध्यान है वह तनाव मुक्ति से है, रोग मुक्ति से है, संसार मुक्ति के लिए वह ध्यान नहीं है। फिजिकली फिटनेस के लिए है, आत्मिक आध्यात्मिक फिटनेस के लिए नहीं है। मैं जिस ध्यान की बात आज आपको कह रही हूं, वह आत्मा के फिटनेस की बात करता है, आत्मा की स्वस्थता की बात करता है। उसके लिए तो आप बहुत प्रयत्नशील हैं, जो जो दूसरे दिन दिखते हैं वैसे हाथ पैर हिलाते हुए नजर आते हैं। क्यों? हम आपके सामने आके आपसे डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, फिर भी आप हमारे योगा के क्षेत्र में आने के लिए तैयार नहीं है। परंतु टीवी पर बैठने, टीवी पर आप जो देख रहे हैं वह 100, 200, 500 किलोमीटर दूर बैठा है, फिर भी आप हाथ पैर हिलाने लगते हैं। क्यों? इस जीव की दृष्टि आज तक आत्मस्वरूप पर नहीं जाती है, जब भी जाती है तो शरीर पर जाती है। पड़ोसी से प्यार है और खुद से प्यार नहीं है। पड़ोसी है ना, शरीर आपका क्या है? पड़ोसी है। इससे बिगाड़ के भी नहीं रखना है, और पड़ोसी को इतना भी अपने घर में एंटर नहीं कर लेना है कि हमारी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाए। परंतु आपके साथ उल्टा हो गया, पड़ोसी आपको अब इतना हस्तक्षेप करने लगा है कि आप, आपका पारिवारिक जीवन बचा ही नहीं। आप शरीर में इतने आसक्त हो गए हैं कि आत्मा की ओर, जीव तत्व की ओर, स्वभाव की ओर आपकी दृष्टि जाती ही नहीं है। आप अभी कह देंगे आज माता जी ने बड़ा नीरस सा प्रवचन किया, शुष्क प्रवचन थी भाई, आत्मा की बातें थी, वो तो ऊपर जा रही थी। अरे जब आत्मा को नहीं समझोगे तो धर्म पुरुषार्थ ये तो आपके कोलू के बैल जैसा हो जाएगा। कोलू का बैल क्या करता भाई? घाणे का बैल, अपन जिसे गुजराती में कहेंगे घाणा का बैल, वो क्या करता है? खूब चलता है सुबह से शाम तक,
और जब पीछे पलट के देखा है तो कितने में चला है, 10x10 में या 12x12 में। उसी एक कमरे में, उसी एक फील्ड में घूमा है, ज्यादा से ज्यादा 15 फीट का ही क्षेत्रफल, इससे ज्यादा नहीं है। परंतु वह बैल अहम से ऐसी ऊंची गर्दन करता है, मैं सुबह से शाम तक चला हूं। परंतु जब उस बैल से कहा जाता है जरा पलट के देखो कितना चल के आए हो, तो वही के वही। आप जितना भी सुनना चाहते हैं वही सुनना चाहते हैं जो मन को आनंदित करे, मन रंजाय मान करे, आत्म रंजाय मान की बात आप सुनना भी पसंद नहीं करते। या तो लोक रंजाय मान, लोक आनंदित हो जाएं, प्रवचन में भीड़ बढ़नी चाहिए, माता जी हमें बिल्कुल मजा आ जाना चाहिए, यानी कि लोक रंजाय मान, मन रंजाय मान की बात तो आप सुनना चाहते हैं, परंतु आत्मा को रंजाय मान करने की बात सुनने का उद्देश्य भी नहीं है। अभी उस ओर दृष्टि ही नहीं गई तो पड़ोसी में आप इतने उलझ गए हैं कि घर के बीवी बच्चों की सेवा ससुर सा याद नहीं है। अभी हम जब कर्नाटक में थे तो एक पेपर में कमेंट्स आया था, समाज सेविका, क्या था, समाज सेविका। तो समाज सेविका को भरी सभा में सम्मान किया गया कि ये पड़ोस के बच्चों का स्वास्थ्य ध्यान रखती हैं, कोई भूखा हो दुखी हो तो तुरंत चली जाती हैं। परंतु किसी औरत ने कहा बीचे से, जरा इनके बच्चों की हालत तो पूछो, कि समाज सेवा करने लगे परंतु परिवार की सेवा करने का टाइम नहीं है। बात समाज सेवा इसलिए कर रहे हैं कि मान सम्मान मिलता है, परंतु परिवार की सेवा करने का टाइम नहीं है। ठीक इसी को आप आत्मा शरीर के बारे में घटाइए कि शरीर की सेवा में तो आप लगे हैं, पड़ोसी में इतने खो गए हैं कि इस पड़ोसी को नहलाते हो, धुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, यहाँ तक के कहो कि इस पड़ोसी के कारण ये सब काली करतूतें होती है। परंतु घर के बच्चे भूखे पड़े हैं, आत्मा के जो गुण हैं, घर का अपना जो स्वरूप है, वह तो उसकी ओर आपको दृष्टि डालने का समय नहीं, पहचानते भी नहीं। घर में कितने सदस्य हैं, कौन कैसा है, ये आपको मालूम नहीं। आत्मा का स्वभाव आपको मालूम नहीं। अशेरी कुंद कुंद स्वामी इस विषय में बड़ा एक गाथा के माध्यम से बड़ा सुंदर कहते हैं, परिचिदान भुआ, इस जीव को बड़ा सुंदर परिचय है, विषय भोग बंद कहा, विषय भोग बंद की कथाओं से बड़ा सुंदर परिचय है, परंतु आत्मा के स्वरूप की वजह बात कही जाती है तो इसे नींद आने लगती है। एक दिन मैंने प्रसंगानुकूल राज परीक्षण पर्व की प्रवचन माला के बीच कहा था, वही आचार्य ने उसी गाथा की टीका लिखते हुए कहा था, संसार में फंसाने वाले आचार्य एक घर में 10 हैं, परंतु आत्मा को मोक्ष मार्ग पर लगाने वाले, आत्म स्वरूप को बताने वाला कोई आचार्य नहीं है तो हजारों में एक है। नहीं आप, एक बच्चा इंजीनियर बन रहा है, माँ कोचिंग क्लास अटेंड कर रहा, माँ अलग पिंच करती है, भाई अलग पिंच करता है, वैसे भाई तो अब बच्चा ही नहीं है, है ना, हाँ, पापा अलग पिंच करते हैं, अंकल अलग पिंच करते हैं, वहां फोन से आंटी पिंच करती है। एक बेटा 95 22, कोई काम फायदा नहीं, 62 कोई काम नहीं, 72 कोई बात नहीं, 92 चाहिए। एक इंजीनियर बनाने के लिए कितने इंजीनियर पीछे लग जाते हैं, और एक आत्मा की पिपासा, यह जो आत्म स्वरूप बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है उसे सुनने सुनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इस आत्म स्वरूप की बात जब तक आप सुनेंगे नहीं, अरे हीरे मोती खरीदते नहीं हो पर हीरे मोतों की बात तो जानो, तभी तो कभी हीरा खरीदने का भाव बनेगा। जब हीरा किस चिड़िया का नाम है मालूम ही नहीं है,
तो हीरा खरीदने का भाव नहीं बनेगा। अच्छा बताइए आपकी कैपेसिटी तो ये है कि आप टू व्हीलर खरीदें, परंतु जब बाजार में निकलते हो टीवी पर फोर व्हीलर का एड आता है तो आप देखते हैं आंख बंद कर देते हैं। टू व्हीलर खरीदने की कैपेसिटी आप टू व्हीलर से काम निकाल रहा है, परंतु जब ही टीवी पर किसी फोर व्हीलर की एड आ गई तो आंख बंद कर लेते क्या? देखते तो हैं। क्या सोचते? कहीं भाग्य का सितारा चमक गया तो यही नैनो खरीद लूंगा, है ना? बात आती नहीं? ऐसा ही मैं आपसे कहती हूं, आपकी कैपेसिटी ग्रस्त अवस्था में धर्म ध्यान करने की है, परंतु फोर व्हीलर की एड तो सुन लिया करो। आत्मा के स्वरूप की विवेचना सुनने का साहस तो बनाओ। जब आत्म स्वरूप के सुनने का विवेचना सुनोगे, साहस करोगे, तो कभी कभी इस मंजिल पे जाने का भाव कभी उत्पन्न हो सकता। देखो मैं अपनी एक जीवन की घटना बताती हूँ। मैं 8th क्लास पढ़ती थी जब, तो पेपर में आए दिन उस समय कोको कोला का एड आता था। जब तो कोको कोला इतना पॉपुलर नहीं था, मतलब आप समझ लिए कम से कम 35 साल 38 साल पुरानी बात, तो कोको कोला का रोज एड आता था और 2 बाटल से यूं गिर रहा लिक्विड पदार्थ। अब मेरे को बड़ा सस्पेंस हुआ, ये चीज है क्या? न्यूज़ पेपर पढ़ने की मेरे को बचपन से आदत, भले बचपन के अनुसार पढ़ते थे पर आदत। तो हमारी एक बाल सखा थी किरण, मैंने उससे कहा ये चीज है क्या, जरा बाजार में पता लगा के आओ। ये तो समझ गए कि कोल्ड ड्रिंक है। अब बाजार में हमें सस्पेंस इतना हुआ कि मैंने कहा नहीं, मंगाया। तो उस समय मालूम कितना में आया था कोका कोला? रुपये 36 रुपये में। एक कोका कोला की बाटल कितने में आई थी? 36 रुपये में। और हमने मंगाई। अब शरीर का जन्म स्थान भी कितना आज की स्थिति में ईडर जैसा है, तो अब 35 साल पहले वो कितना कस्बा छोटा सा गांव होगा, तो कोका कोला उपलब्ध होना भी मुश्किल, मिलेगा तो ब्लैक में मिलेगा। तो हमने 36 रुपये की एक बैटर कोका कोला की मंगाई और एक घूट पिया, कुछ सार तो नज़र नहीं आया, बोतल फेंक दी। पर मेरा कहने का तात्पर्य, जब हम किसी चीज का एंड देखते हैं तो जिज्ञासा बनती है। ऐसे जब आप आत्मा की विवेचना, आत्मा का स्वरूप साधुओं योगियों के साधकों के मुखारविंद से सुनेंगे तो एक दिन तो जिज्ञासा बनेगी, जरा देखो तो क्या चीज है। आप जिज्ञासु बनेंगे, आपके कदम बढ़ेंगे उस ओर। तो आचार्यों ने यहां ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने की बात आपको कह रहे हैं, तो ध्यान रूपी अग्नि कहीं बाजार में रेडीमेड मिलने नहीं है कि 2 लीटर जाके मिट्टी कैरोसिन ले आए, 1 सिलेंडर खरीद के ले आए, डॉक्टर के पास जाके टेबलेट ले आए। नहीं, यह है आपको जागृत करने पड़ेगी। परंतु ध्यान का भाव कब बनता है? जब ये एहसास हो जाता है कि आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति ध्यान के द्वारा होगी। वैसे आप हमारे से ज्यादा होशियार है, कैसे माता जी? ध्यान आप भी करते हैं, ध्यान हम भी करते हैं, पर जितना कॉन्सेंट्रेशन आपका है उतना मेरा नहीं है। नहीं माता जी, आप जल्दी में गलत सेंटेंस बोल गए, आप तो यही कहोगे। नहीं, फिर भी कह रही हूं, जितना कॉन्सेंट्रेशन आपका है, जितनी एकाग्रता आपकी उतनी हमारी नहीं है, पर आपकी एकाग्रता आर्त और रौद्र ध्यान में है, धर्म ध्यान में नहीं है। अगर शादी का सीजन और एक दुकान पे कंज्यूमर आ गया, ग्राहक आ गया, पटेल का